हजरत फातिमा की फजीलत की जितनी रवायात है किससे मरवी है, हजरत आयशा से। तुमने लड़ाई बनाई हुई है, लड़ाई होती तो इनकी फजाइल को बयान किया जाता। हजरत आयशा कहती हैं फातिमा इतनी अजीम औरत थी, फातिमा की अपने वालिद से इस कदर मुशाबहत थी कि मैंने मर्दों में भी किसी मर्द को रसूलुल्लाह के इतने मुशाबहत लगते हुए नहीं देखा। खुद वाकया बयान करती है, दोनों का उठने का अंदाज, गुफ्तगू करने का अंदाज, बोलने का अंदाज, बैठने का अंदाज एक ही जैसा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फातिमा पुरवकार तमकनत से धीमे धीमे अंदाज में जिस तरह रसूलुल्लाह चला करते हैं वैसे आ रही हैं। रसूलुल्लाह ने उन्हें आता देखा, अपनी नशिस्त से खड़े हुए, उनको मरहबा कहा, उनको अहलन व सहलन कहा, उनका इस्तकबाल किया, उनके माथे को चूमा, फिर जिस जगह बैठे थे उससे कुछ पीछे हटे और फातिमा को कहा आप यहां बैठिए। कहा फातिमा की अपने बाप के साथ ऐसी मुशाबहत थी, एक दिन वो भी आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर गए, फातिमा अपनी नशिस्त पर विराजमान थी, जिस तरह रसूलुल्लाह खड़े होते थे वैसे खड़ी हुई, आगे बढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे को चूमा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी नशिस्त को खाली किया। बहन वही अंदाज, बहन वही तरीका जिस तरह नबी करीम ने फातिमा को बिठाया था, फातिमा आज अपने बाप को अपनी नशिस्त पर बिठाती है, वो फातिमा है। लेकिन इनकी शादी का जो वाकया, ये भी बड़ा गुस्ताहाने सहाबा के लिए, ये जो फलसफा फैलाया हुआ है ना, इसके अंदर भी सबक हैं, इबरतें हैं। कितनी इबरतें हैं, अल्लाह की कसम, आपको पता है हजरत अली का रिश्ता फातिमा के लिए कौन लेके गया था? तुमने कहानियां बनाई हुई, तुमने मनगढ़ंत स्टोरियां बनाई हुई। अबू बकर उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, आपका बेटा है, आपने खुद पाला है, फातिमा की उम्र भी शादी की है, आका हम अली की तरफ से रिश्ता लेके आए हैं, तुमने इनकी लड़ाई बनाई हुई अली से, अली का रिश्ता नबी मोहतरम को पेश कौन कर रहा है? हज़रत अली ने पेश किया, और जाओ तारीख की किताबें उठाओ, हमारी हदीस की किताबों को तो तुम मानते नहीं, तुम अपनी किताबों को उठाओ। अबू बकर उमर रिश्ता लेके आ रहे हैं, नबी करीम ने कहा उससे बात हो गई है, आका हमारे जिम्मेदारी है, अच्छा उसको बुलाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम पहुंचे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लम्हे भी नहीं सोचा, कहा उसको बुलाओ। अली आए, तेरे पास क्या चीज है? मेरे पास आका कुछ भी नहीं, मैं तो आप ही का बेटा हूं, आप ही ने पाला है, आप ना दिरहम और दिनार से शगव रखते हैं, ना मैं दिरहम और दिनार से शगव रखता हूं, ना आपके घर में कोई खजाना है, ना मेरे घर में कोई माल है, तेरी एक जीरा होती थी, है वो जीरा है जिहाद के लिए रखी हुई, जा उसको बेच। आका किस लिए? मैं तुझे अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता देता हूं, वो बेच के जितने पैसे होंगे वही फातिमा का मेहर होगा। रिश्ता मुकर्रर कर दिया। आगे सुनिए, कुछ देर के बाद हजरत अली निकल रहे हैं बाजार में जीरा को बेचने के लिए, इनकी किताबों में लिखा है। हजरत अबू बकर ने कहा रिश्ता पक्का हो गया? हाँ रिश्ता तो पक्का हो गया है, लेकिन हक महर की जरूरत है। अच्छा ये जीरा बेचूंगा मैं तुझे 120 दिरहम देता हूं। किस कदर मोहब्बत करने वाले हैं कि अली का निकाह नबी की बेटी से हो जाए, जीरा मुझे बेच दे, जो 10-20 दिरहम की जीरा है मैं तुझे 120 दिरहम देता हूं। हजरत उमर ऊपर से आ गए, मैं तुझे 240 दिरहम देता हूं। हजरत अली मुस्कुराना शुरू हो गए, थोड़ा सा आगे गए, कहा मैं बाजार से होके आता हूं, मैं इसकी कीमत लगवा के आता हूं। हजरत उस्मान आ रहे हैं, इनके साथ दुश्मनी की, इनके साथ फितनों की, इनके साथ लड़ाइयों की दास्तानें बनाई हुई है। अली कहां निकले हो? अपनी जरा बेचने के लिए निकला हूं। हजरत उस्मान के कलेजे को चोट पहुंची, क्यों बेचते हो? नबी की बेटी से शादी होनी है, हक महर अदा होना है। हजरत उस्मान की सहावत पे बंदा कुर्बान जाए, अल्लाह की कसम जिरा की क्या वैल्यू हो सकती है। अबू बकर उमर ने भी इशार किया, 10-20 दिरहम की जिरा की कीमत 240 लगाई। हजरत उस्मान ने कहा ये 420 दिरहम मेरे जेब में पड़े हैं, अली ये तेरे हुए, ये जिरा मेरी हुई, बात खत्म, तूने बाजार में नहीं जाना, तूने किसी से सौदा नहीं करना, तेरा मेरा सौदा तय पा गया। हजरत अली का चेहरा खुशी से तम तमा उठा कि ये मेरी जिरा, ये मेरे दोस्त, ये मेरे भाई, ये मेरा इतना रिगार्ड करने वाले। अली वापस मुड़े, उस्मान ने कहा रुक जा,
ठहर जा, वापस पलट, तेरा मेरा सौदा तय हो गया, तेरा मुंह उधर को हो गया था, मैं इधर को चला गया, सौदा तय हो गया, 420 दिरहम भी रख, आज के बाद ये जिरा भी रख, जिहाद तू करेगा, जंग तू लड़ेगा, सवाब उस्मान को भी मिलेगा। ये साहब हैं, इनकी आपस में ये मोहब्बत की दास्तानें हैं। फिर बात आई है, कहनी चाहिए, मुआशरे के अंदर जो गंदे फलसफे मुआशरे में फैले हुए जहेज के, बरात के, ये कहां से आए हैं? ये अल्लाह की कसम पाको हिंद बरे सगीर की लानते हैं, जो इस्लाम कबूल करने के बावजूद हम इनसे छुटकारा नहीं पा सके। पूरी ज़हीरा हदीस को उठाइए, पूरे ज़हीरा हदीस को उठाइए, एक हदीस के अंदर भी आपको बरात का लफ्ज नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? वलीमे का। बरात का लफ्ज ही ज़हीरा हदीस में मौजूद नहीं है। हमारे मुआशरे में बरात का खाना लड़की वालों के लिए इतना बड़ा अजाब है। अल्लाह की कसम, बाल लड़कियों की शादियां इस वजह से नहीं होती, 15-15, 20-20 लाख का, जब बच्चियां शादी अटेंड करके आती हैं, बरात आई थी, इतना बड़ा फंक्शन हुआ, इतना बड़ा मैरिज हॉल था, इतना बड़ा उनका इस्तकबाल था, सारी जिंदगी फिर शादी की उम्मीद और आस लगाई बैठी रहती हैं। हमने मस्जिद से अपने तल्लुक को तोड़ा, यह मस्जिद जो कम्युनिटी सेंटर था, खुशी और गमी के लिए यह जगह है। हर चीज में रसूलुल्लाह की मुहालफत, हर चीज में रसूलुल्लाह की मुहालफत। ईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुले मैदान में पढ़ो, नहीं जी नहीं हमने मस्जिद में पढ़नी है। जनाजा मस्जिद में पढ़ो, नहीं जी नहीं हमने बाहर पढ़ना है। हर बात में रसूलुल्लाह की मुहालफत। और शादी ब्याह निकाह की तकरीबात अगर फातिमा और अली की मस्जिद में हो सकती हैं, तो तू और मैं इससे एहतराम वाला जोड़ा नहीं है। और जो इस क्या दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तकिया खजूर की छाल से भरा हुआ, एक मशकीला मट्टी के दो गड़े हैं, हजरत अली हजरत फातिमा को लेने आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर उमर कहां? जब तक वो नहीं आते आका, उनके आना जरूरी है। बरात का इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं। जो रिश्ता लेके आए अली, उनको भी साथ नहीं लेके आए। बरात कोई चीज नहीं इस्लाम में। कहा हां उनका आना जरूरी है। क्यों आका? वो तेरी तरफ से निकाह के गवाह है। ये अबू बकर उमर फातिमा और अली के निकाह के गवाह है। मैं निकाह पढ़ाऊंगा, और फातिमा की तरफ से गवाह कौन होगा? हजरत उस्मान होंगे। लोगों, इन सहाबा की आपस में लड़ाइयां बनाई हुई है, आपस में फितरे झूठ की दास्तानें, ये सारी की सारी तारीख के पीछे। मुझे एक बात बतलाइए, दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ मुकम्मल है कि नहीं? नबी की वफात पे खत्म, मुकम्मल। उनकी इब्तदार कहानियों की इब्तदाई नबी करीम की वफात से शुरू होती है। दीन की इब्तदाई नबी करीम फौत हुए, वहां से कहानियां गढ़ना शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे फितनों से हम सबको महफूज रखे। जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फर। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, आज मेरी ख्वाहिश थी कि हजरत अली की सीरत के अंदर से एक जो खास बाब है वो है हुज्जियत हदीस का, कि हजरत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को क्या मुकाम देते थे, और सहाबा की नज़र में हदीस का मुकाम क्या था, सहाबा हदीस को और कुरान को कैसे देखते थे। हजरत अली वाहिद हैं, वाहिद। इस बात को कहने में कोई आर और बाक नहीं, क्योंकि ये हजरत अली का अपना खुद का कौल है कि मैं अली वो हूं जिसको हर आयत के शाने नजूल का, मकाम का, उसकी यानी तारीख तक का और उसकी तरतीब तक का पता। क्या मतलब? इस ये बात कोई मामूली नहीं, आपने बड़ी दफा सुनी होगी, लेकिन ये कहने में आसान है, समझने में इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा। क्या? पहली आयत कुरान पाक की इकरा नाजिल हुई, हजरत अली को जिस तरतीब से कुरान नाजिल हुआ, यह तरतीब है तरतीब तौकीफी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाई। पहली कुरान की आयत उतनी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उतरती गई उतरती गई, फिर आयत उतनी या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फानज़िर, फिर आयतें उतरी मुख्तलिफ। हजरत अली को कुरान पाक तरतीब नज़ूली के एतबार से भी याद था, यह बहुत बड़ी फजीलत की बात है। लेकिन क्या हजरत अली ने तरतीब नज़ूली से कुरान लिखवाया? इस वाले से मेरी ख्वाहिश थी कि आज के जुम्मे में आपके सामने इस बात को रखा जाए कि ये जो कुरान पूरे का पूरा है,
इसमें से भी एक लफ्ज, एक हरफ आप पे और मुझ पे बराए रास्त नाजिल नहीं हुआ। किस पे नाजिल हुआ? नबी करीम ने कहा यह कुरान है, हमने मान लिया ये कुरान है। नबी करीम ने कहा यह कुरान नहीं, हमने मान लिया कुरान नहीं। तो इंशाल्लाह हुज्जियत हदीस के हवाले से भी हजरत अली की जिंदगी में जो अबवाब है उनको अगले खुतबा जुम्मा में बयान किया जाएगा। आज अभी ये मेरे जो भाई आफ़त नवाज साहब हैं।